ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी बंधुओं का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए आज फिर आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव सम्मत 2081 और नवदुर्गे के प्रथम दिवस शैल माँ शैल पुत्री के पूजन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। आपको सबको शुभ शुभ कहता हूँ, आपके लिए कल्याणकारी हो। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं आज जो बोलूँगा वो आपसे निवेदन है, पूरा का पूरा देखेंगे देखिए तो समझ में आएगा और फिर आप प्रशंसा भी करेंगे, और आधा अधूरा देखेंगे तो फिर कुछ नहीं, आप फिर ऐसे ही लिख के जाएंगे कि पंडित जी बकवास करते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब बेकार है। और देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, ये गोचर का फल आपसे नहीं मैच करता है, तो कृपया अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए ना। हो सकता है इस समय जो ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं और गोचर में अच्छा फल दे रहे हैं, आपकी कुंडली में खराब बैठे हों, खराब भाव में बैठे हों, खराब ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसा तभी तो आपका पता लगेगा सत्य पूरा। तो यथार्थ में अपने सत्य पक्ष जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, खाली गोचर से काम नहीं चलना भाई। तो देखिए मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि से देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, दोनों से देखें तो अच्छा है, और दोनों से अच्छा आ रहा है तो फिर तो बाकी में बहुत अच्छा होगा। एक से अच्छा आ रहा है, एक से खराब आ रहा है तो मध्यम मान लीजिए, और दोनों से खराब बैठ रहा है तो इसका मतलब ये खराब ही है, फिर तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। और मित्रों आप जाते जाते देखिए मेरे चैनल पर जब जाएं तो कमेंट्स में महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। देखिए मैं अब आपको क्या चर्चा करूँगा, अब देखिए मैं आज जो थंबनेल बता दूँ, ग्रहों का चमत्कार कहिए, ग्रहों का देखिए ग्रह जो है आपको माला माल बना रहे हैं, ग्रह ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में देखिए उठा पटक मचा रहे हैं बहुत। तो इस समय देखिए वो कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में उठा पटक मचा रहे हैं, माला माल बना रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, अभी 9 अप्रैल है आज, देखिए तो 9 अप्रैल से 10 मई तक, 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध देव नीच राशि में, नीच की राशि है बुध की, वहाँ नीच के होते हैं, मीन राशि में रहेंगे, बकरी होकर आए इसमें, अभी फिर बाद में देखिए मार्गी होंगे 25 अप्रैल को, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो 10 मई को मेष में जाएंगे। तो अभी तो जो है 9 अप्रैल से 10 मई तक अपनी गति रखेंगे, जैसे आगे बकरी होकर चलते आ रहे हैं इसमें मेष से मीन में प्रवेश किया चलते रहेंगे, फिर 25 अप्रैल को यू टर्न लेंगे, मार्गी होंगे और फिर जो है बाद में 10 मई को मेष में चले जाएंगे। तो 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध नीच की राशि में मीन में रहेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ देखिए 31 मार्च को क्या हुआ, 31 मार्च को शुक्र भी जो मीन राशि में आ गए थे और 25 अप्रैल तक ये रहेंगे, तो 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध और शुक्र दोनों ही साथ साथ रहेंगे। 25 अप्रैल को शुक्र आए तो 25 अप्रैल के बाद जब शुक्र आ गए मीन में, नहीं 31 मार्च से 25 अप्रैल तक शुक्र मीन में रहेंगे, तो 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक शुक्र और बुध दोनों ही लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठेंगे। देखिए शुक्र को देवी का रूप दिया जाता है यानी लक्ष्मी का, और बुध को नारायण का, विष्णु भगवान का, तो बुध का और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और बहुत सी राशियों के लिए बहुत अच्छे भाव में बनेगा तो अच्छा लाभ देगा। और देखिए इसके अलावा ये शुक्र की एक बताऊँ बरात राशि क्या है, मीन राशि उच्च की है, शुक्र की बृहस्पति की राशि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं,
तो शुक्र जब उच्च के हो गए यहाँ पर, तो भाई बुद्ध का नीच भंग हो गया। तो बुद्ध हालांकि नीच की राशि में है, लेकिन नीच भंग कर दिया शुक्र ने, तो नीचता खत्म हो जाएगी और बुद्ध भी फिर अच्छा ही फल देंगे भाई। तो बुद्ध और शुक्र दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना के अच्छा फल देंगे दोनों। बुद्ध का नीच भंग हो रहा है देखिए, तो 9 अप्रैल से देखिए आप इसमें आप देखिए सूर्य का क्या है। देखिए सूर्य का भी मैं बताऊंगा आपको, सूर्य जो है 13 अप्रैल, सूर्य जो है 13 अप्रैल को जाएंगे मेष राशि, तो मीन राशि में तो 13 अप्रैल तक रहे, तो 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 4 दिन, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सूर्य का बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा भाई 9 अप्रैल से, क्योंकि 13 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे सूर्य अति उच्च के होकर के, वह सूर्य की मेष राशि बहुत उच्च की है, पर 9 अप्रैल से 13 अप्रैल सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा मीन राशि में ही, जहाँ देखिए राहु बैठे हुए हैं, तो राहु वहाँ बैठे हुए हैं, बुध आ गए, शुक्र आ गए 3, सूर्य भी रहे 4, इतने दिन तक 4, और कुछ डेट तो कॉमन भी हैं। इसके अलावा देखिए मंगल भी जो है मीन में आएंगे 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल का मतलब यानी 25 अप्रैल को शुक्र निकल जाएंगे, मंगल 23 अप्रैल को आएंगे और मंगल यहाँ रहेंगे 1 जून तक, तो 23 अप्रैल 25 अप्रैल कुछ डेट कॉमन होंगी मंगल और सूर्य की राजा और बुध और इन सब का देख कुछ ओवरलैप होगा, और बुध जब रहेंगे राहु के साथ तो देखिए एक दृढ़त्व योग बनेगा, बुध आदित्य राज योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और देखिए और मैं बताऊँ आपको, मीन राशि शुक्र के लिए उच्च की है और राहु यहाँ बैठे हुए हैं, राहु भी कुछ भाव में कुछ राशियों के लिए अच्छा फल देंगे बहुत अच्छा। और देखिए यहाँ पर 11 अप्रैल से 13 जून सॉरी 17 अप्रैल से 13 जून गुरु जो हैं, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो गुरु रहेंगे मेष राशि में ही, उसके बाद 1 मई से चले जाएंगे फिर वृषभ राशि में, लेकिन 17 अप्रैल से 13 जून तक गुरु सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। तो देखिए सूर्य के नक्षत्र में गुरु रहेंगे तो बिल्कुल सूर्य का सा फल देंगे, यानी ये समझ लीजिए यानी सूर्य के नक्षत्र में आ गए तो गुरु का एक तरह से थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया, और सूर्य की भात भी उन्होंने, देखिए बृहस्पति तो अपना फल देंगे ही देंगे, लेकिन सूर्य की भात भी दे सकते हैं क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है। तो ये देखिए टाइम जो है 9 अप्रैल से, और मैं लगाऊं 10 मई तक का टाइम तो बुध का है ही है, लेकिन इसमें कुछ ओवरलैप जैसे मैंने समझाया था 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सूर्य बुध का, तो ये सभी टाइम में देखिए यहाँ पर 4-4, 5-5 ग्रह रहेंगे, 4-4, 5-5 ग्रह, और मीन राशि में देखिए मीन राशि में आपको बताऊं मैं, ये सूर्य है, बुध है और शुक्र है, राहु है और कुछ टाइम के लिए मंगल भी ओवरलैप कर रहे हैं, और देखिए 10 मई को तो बुध चले जाएंगे वृषभ राशि में जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा अलग करेंगे हम। अभी तो 4 ग्रह तो है ही हैं, यानी सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु, 5-5 ग्रहों का पंचग्रही योग बनता है मीन राशि में, पंचग्रही योग कुछ टाइम के लिए बने चाहे, जब सूर्य का मतलब 9
9 से 13 तक बुद्ध आदित्य राजयोग और 23 से 25 तक ओवरलैपिंग 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल भी आएंगे, तो मंगल से 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मंगल का और शुक्र का और बुध का राहु का सूर्य इन सब का योग बनेगा। तो 4-4, 5-5 ग्रह मीन राशि में भाई गजब का संयोग बन रहा है, गजब का संयोग बन रहा है, क्योंकि मीन राशि जो है देखिए शुक्र की उच्च की राशि है और शुक्र ने वहाँ आकर के बुध का नीच भंग कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रहों का चमत्कार, कहिए ग्रहों का यानी चमत्कार हो रहा है मीन राशि में। मीन राशि में ग्रह जो है क्या आपको कुछ राशियों को कुछ तो स्पेशल देंगे देंगे, स्पेशल व्यवहार रहेगा कुछ राशियों के लिए, लेकिन कुछ राशियों को तो सब कुछ दे डालेंगे और कुछ राशियों को अभी देखिए मीन राशि में मीन राशि अप्रैल 17 से 19 देखिए मैंने बताया ना आपको चंद्रमा भी जो है 17 अप्रैल से 19 अप्रैल मीन राशि में रहेंगे। तो क्या गजब का बना देगी संयोग, चंद्रमा भी आ गए यानी 17, 18, 19 अप्रैल में 9 अप्रैल से 10 मई मैंने बताया बुध, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और 25 अप्रैल तक शुक्र रहेंगे यहाँ पर, और 17-18 मैंने बताया उसमें चंद्रमा भी रहेंगे यहाँ पर मीन राशि में। तो भाई अब कुछ राशियों के लिए तो वाकई में 17 अप्रैल जैसे मैंने बताया ना 17 अप्रैल से 13 जून को सूर्य के नक्षत्र में जब आ जाएंगे, ये नक्षत्र बदल जाएगा, गुरु कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे, उसका असर भी पड़ेगा। गुरु तो हालांकि यहाँ नहीं है, पर ये अभी मैं सबको समराइज कर दूंगा एक साथ कि सूर्य बुध शुक्र राहु और देखिए चंद्रमा जो है मीन राशि में आए कब, 17-18-19 में, 17-18-19 की दोपहर तक समझ लीजिए। तो उस समय ये तो रहा मीन राशि में, तो इसका असर पड़ेगा कुछ राशियों के ऊपर, और साथ साथ 30 अप्रैल तक मेष राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अभी तो मेष की बात कर रहा हूँ, यानी जब मेष बाद में 1 मई को चले जाएंगे शुक्र की राशि में वृषभ में, उसकी बाबत चर्चा हम अलग कर चुके हैं, और कुछ और करना होगा तो फिर दोबारा करेंगे। लेकिन अभी ये बता दूँ कि 17 अप्रैल से और गुरु का कृतिका नक्षत्र में जाना भी सूर्य का और गुरु का दोनों मिलकर समझ लीजिए संयोग बन रहा है। तो अब कुछ राशियाँ जिनके लिए ये योग यानी बृहस्पति का कृतिका नक्षत्र में जाना, बुध का शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनना, सूर्य का बुध का बुध आदित्य राजयोग बनना, बुध का राहु के साथ जड़त्व योग बनाना, ये सब जो है कुछ राशियों को तो विशेष ही लाभ देंगे, तो वो मैं चर्चा करता हूँ आपको। देखिए मेष राशि के लिए ये संयोग ये युति बन रही है 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश का भाव, राहु जहाँ बैठे हुए हैं राहु का काम घर से दूर ले जाना, विदेश ले जाना। तो आपको देखिए विदेश की भूमि से तो लाभ मिलना ही मिलना है मेष राशि वालों, विदेश जाने का जरा भी आप प्लान कर रहे हैं सोच रहे हैं तो विदेश जाने की तैयारी कर लीजिए। अगर जरा भी आपका विदेश में संबंध है, व्यापार है, नौकरी है, तो आप तो बिल्कुल मालामाल हो जाएंगे इस समय। अगर आप सर्विस करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो, बिल्डिंग का काम करते हैं, शुक्र से संबंधित वस्तुओं का काम करते हैं, तो आपको देखिए राहु तो आपको विदेश भिजवा के छोड़ेंगे इस समय, आप बैग तैयार कर लीजिए अपना। और देखिए बृहस्पति अगर यहाँ होते तो मैं मान सकता था कि अभी धन का थोड़ा खर्चा हो जाता है, पर बृहस्पति तो आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं और लग्न में बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में चले गए
17 अप्रैल को और आगे तक रहेंगे 13 जून तक। तो अभी तो जब मेष राशि में ही हैं, क्योंकि मैं अभी तो बात कर रहा हूँ केवल वही अप्रैल मई की, और फिर चले जाएंगे 1 मई को वृषभ राशि। तो क्या गजब का हो रहा है कि बृहस्पति भी जो है 5 में 7 में नवे भाव में देख करके आपको संतान को सुख, दाम्पत्य जीवन को सुख, भाग्य वर्धन कर रहे हैं, यानी नवे भाव में। और मैं समझता हूँ भाग्य वर्धन करने के साथ साथ भाग्य बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। सारे ग्रह ज़्यादातर इस समय 11वें 12वें पहले घर में बैठे हुए हैं, जैसे 11वें घर में सूर्य मंगल, और जब वो सूर्य चले जाएंगे 12वें में भी आगे चल के, तो 12वें में जमावड़ा लगेगा 5-5 ग्रह का, पंच ग्रह योग। तो भाई 12वें राशि जो है वहाँ से ग्रहों की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। तो मेष राशि के लिए पर्टिकुलरली शत्रु बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं कर सकते आपका। बैंकों से आपने ऋण लिया है तो चुकता हो जाएगा, या आपको ऋण की ज़रूरत है तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपकी बीमारियाँ देखिए बहुत कुछ ठीक होने लगेंगी, और खाने पीने का अगर ध्यान रखें, आप बाहर का खाना न खाएं तो आपके सारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्राणायाम करें, योग आसन करें, थोड़े बहुत छोटे योग कर सकते हैं आसानी से आप, और देखिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी एक्टिव रहेगा, और सारे बीमारियां दूर रहेंगी, शत्रु भागे रहेंगे। और आपको जॉब छठे भाव से, अगर आपने नया जॉब चाहिए था, नए जॉब की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिलेगी, जॉब में तरक्की, वेतन में तरक्की। तो मेष राशि के लिए ये पंचग्रह योग और सारे कॉम्बिनेशन डिफरेंट करके बताए मैंने, यानी अप्रैल में और मई में पर्टिकुलरली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है आपको 9 अप्रैल से लेकर के, आज से ही समझ लीजिए। 9 देवी के नवरात्रि भी शुरू हुई, नया संवत भी लगा, नया संवत शुरू होते ही आपके तो भाई चमत्कार कर रहे हैं ग्रह आपके। तो ग्रहों का चमत्कार का पूरा लाभ पा रहे हैं मेष राशि वाले। और देखिए अगली राशि जिसको के मैं समझता हूँ वृषभ राशि को क्यों ना कहूँ मैं, क्योंकि वृषभ राशि के लिए जो है ये संयोग पड़ रहा है भाई, 11वें भाव में 5-5 ग्रह, लक्ष्मी नारायण योग, और देखिए सूर्य बुध का साथ और राहु का बुध का साथ, ये सब 11वें भाव में। तो लाभ भाव से लाभ ही लाभ, धनी धन, लाभ का मतलब भाई धन ही होता है, विभिन्न स्रोतों से लाभ। और दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान का है, तो संतान की प्रगति, संतान को लाभ, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, नौकरी में लाभ, जो भी जो मन की इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। वृषभ राशि वालों, शुक्र की अपनी राशि है और शुक्र यहाँ बैठ करके 11वें भाव में भाई लाभ ही लाभ दे रहे हैं। और मंगल जब आ जाएगी यहाँ पर, तो मंगल की तो देखिए 11वें भाव से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो धन की बारिश तो होगी ही। और 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि तो सभी की पड़ रही है पंचम भाव पर, अब मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर भी, तो शत्रुहंता योग बनता है। और सूर्य भी साथ है कुछ दिनों के लिए, तो सूर्य भी शत्रुओं को, मंगल भी शत्रुओं को, दोनों ही सूर्य मंगल दोनों ही शत्रुओं को भगाएंगे। तो भाई ये टाइम जो है भाई आज से ही लगा लीजिए, और ओवरलैपिंग करते हुए 9 अप्रैल से लेकर के मैं तो लगाता हूँ टाइम, देखिए 25 अप्रैल तो कह ही सकते हैं आप। और वैसे सूर्य तो जो है 13 अप्रैल से चले जाएंगे अगले भाव में, यानी सूर्य तो जो है 13 अप्रैल से 14 मई तक चले जाएंगे, 14 मेष राशि में। तो सूर्य तो 13 अप्रैल को 2 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन बाकी शुक्र और बुध ये तो रहेंगे ना, तो 25 अप्रैल तक, और
तो 25 अप्रैल तक ही मान लीजिए आप। मई की बात मैं फिर करूंगा, मई में जब बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो देखिए बृहस्पति मेष राशि में है और मंगल की, बृहस्पति तो देखिए गुरु हैं, मंगल के घर में है, तो बहुत अच्छा खासा लाभ मिल रहा है मेष राशि को भी और वृषभ राशि के लिए भी, क्योंकि वृषभ राशि के लिए मीन राशि जो आ गई वो 11वें भाव में आ गई, लेकिन बृहस्पति जो है 12वें भाव में आ गई, तो थोड़ा वृषभ राशि के लिए भाई खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जब 12वें में आ जाते हैं तो धन की हानि कराते हैं। धन की हानि यानी धन का खर्चा होगा, तो धन का खर्चा होने के लिए धन आना भी चाहिए, तो पैसा आएगा भी 11वें भाव से पैसा आएगा, और 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए तो खर्चा भी कराएंगे, बैलेंस हो जाएगा बराबर। आपको पैसे के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी मांगने की कहीं से, जो पैसा आएगा वही पैसा आप खर्च कर सकते हैं, ज़िंदगी बहुत शानदार रहेगी। तो अब देखिए अगली राशि मैं समझता हूँ जो कि 12वां भाव जो है, यानी क्या कहूँ, मिथुन राशि के लिए, देखिए मिथुन राशि के लिए 12वां भाव आ गया, 12वीं राशि आ गई 10वें भाव, तो जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में पंचग्रही योग, लक्ष्मी नारायण योग, और देखिए शुक्र का माल्यभ्य राजयोग, केंद्र में शुक्र बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो माल्यभ्य राजयोग, बुध का राहु का जड़त्व, और देखिए बुध आदित्य राजयोग, माल्यभ्य राजयोग, और ये तो लक्ष्मी नारायण योग बहुत गजब का, तो मिथुन राशि के लिए तो बहुत चमत्कार हो रहा है ग्रहों का, और ग्रहों के चमत्कार के कारण आपको बहुत अच्छा धन लाभ हो रहा है, सुख के साधनों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि सभी ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, तो बहुत ही शानदार, यानी 10वें भाव से रोजगार में वेतन वृद्धि, नौकरी भी तरक्की, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, बॉस खुश, आपके सहयोगी भी खुश, मिथुन राशि के लिए भी ये संयोग जो है, यानी आज से ही 9 अप्रैल से लेकर के और अप्रैल के अंत तक मान लीजिए, जब तक बृहस्पति भी 30 अप्रैल तक यहाँ है, बहुत बढ़िया है भाई। देखिए 25 अप्रैल को मैं बताऊँ आपको, 25 अप्रैल को जो मैंने देखा कि शुक्र जो है, 25 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे मेष राशि में, तो बृहस्पति के पास, तो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 5 दिन शुक्र का और बृहस्पति का साथ भी रहेगा भाई इसी में। तो अगर मैं 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की बात करूं पूरी, तो इसमें देखिए शुक्र का और बृहस्पति का साथ भी आ गया, क्योंकि 25 अप्रैल को मीन राशि को छोड़ करके, जब शुक्र मीन राशि छोड़ देंगे तो भाई अगली राशि कौन सी है, मेष राशि, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो और बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र भी वहाँ पहुँच जाएंगे 25 अप्रैल के टाइम पे। और देखिए सूर्य तो वहाँ है ही है, क्योंकि सूर्य तो 13 अप्रैल से 14 मई मेष में रहने हैं, तो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सूर्य का, शुक्र का, बृहस्पति का भी संग बन रहा है, तो ये टाइम मैं समझता हूँ 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, बृहस्पति, गजब का चमत्कार कर रहे हैं भाई, यानी मिथुन राशि के लिए भी बाबा बाबा हो रही है भैया। और देखिए अब मैं समझता हूँ कर्क राशि, कर्क राशि के लिए 12वीं राशि आ गई 9वें भाव में, भाग्य वर्धन हो गया, 5-5 ग्रह भाग्य वर्धन करेंगे भाई, लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य राजयोग, और देखिए राहु का, बुध का जड़त्व योग, और फिर देखिए 25 अप्रैल को शुक्र का बृहस्पति के साथ पहुंच जाना 10वें भाव में, तो कर्क राशि के लिए भी ला, यानी भाग्य भाव और कर्म स्थान दोनों का ही लाभ अच्छा मिल रहा है, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में वर्धन होगा, तो भाग्य पर सारे कार्य बिना मेहनत के, थोड़ी से परिश्रम से ही धन की बारिश होने लगेगी, और यहाँ से सारे ग्रह तीसरे भाव को देखेंगे तो परिश्रम तो कराएंगे कराएंगे,
जितना परिश्रम करोगे उतना पराक्रम करोगे उतना ही मेहनत से पैसा आएगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। और दसवें भाव में जब 25 अप्रैल से बृहस्पति का शुक्र का संयोग बन गया तो दो दो गुरु, दैत्य गुरु और देव गुरु, हालांकि दोनों में आपस में अच्छे संबंध नहीं है लेकिन गुरु तो हैं दोनों, गुरु तो वही गुरु ही होता है। तो दसवें भाव से फिर चौथे भाव को देखेंगे तो सुख साधन की वृद्धि, भूमि भवन बंगला गाड़ी, जो कुछ चाहिए इस समय कर्क राशि वालों, सब कुछ मिलेगा। तो ग्रहों का असली चमत्कार तो आपको मिल ही रहा है भाई, कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब तक मैंने देखा भाई मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क चारों राशियों के लिए बहुत जबरदस्त संयोग बन रहा है। अब भाई सिंह राशि वालों के लिए भी मैं चर्चा करूं, ये आठवें भाव में हो गया। देखिए आठवें भाव से लोग डराते हैं वैसे आपको बहुत ज़्यादा था, मैं भी बताता हूँ, लेकिन आठवें भाव देखिए अचानक जो काम अचानक होते हैं उसका लिए होता है। अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, अचानक चोट लग जाना, अचानक जो अचानक मतलब पता ही नहीं अब क्या होने वाला है, तो अचानक ही पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाना। और पांच पांच ग्रह यहाँ से देखिए धन भाव को देखेंगे तो अचानक धन की बारिश होना। तो सिंह राशि वालों, रुके हुए कामों का अचानक शुरू हो जाना, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा अचानक से मिल जाना, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य में जरा बीमारी में, चोट चपेट एक्सीडेंट में थोड़ा सा राहु का कष्ट न भुगतना पड़े आपको। लेकिन देखिए आपका शुक्र का, बुध का, शुक्र धन के मालिक हैं, बुध व्यापार के कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, इनका सबका तो लाभ मिलेगा मिलेगा। और फिर शुक्र जब भाग्य में आ जाएंगे बृहस्पति के पास, अभी बृहस्पति तो भाग्य में है, अगर अगर कुछ आपका नुकसान हो रहा था बारहवें भाव से तो बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके देखिए आप मंगल के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं और मंगल भी आपके इस समय शनि के साथ सप्तम में बैठे हुए हैं, शस महापुरुष राजयोग बना करके व्यापार में तरक्की दे रहे हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा कर रहे हैं। तो मंगल बाद में 23 अप्रैल को फिर आगे राहु के पास आकर के अंगारक दोष बनाएंगे, वो टाइम थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन तब तक 25 अप्रैल को शुक्र का और बृहस्पति का संयोग बन जाएगा। जो कुछ हानि आपको बारहवें भाव में राहु मंगल की वजह से मिलेगी वो बृहस्पति और शुक्र भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य वर्धन कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ उसके साथ साथ ही देखिए मेष राशि में सूर्य का आना सिंह राशि के लिए तो भाई ये गजब का है। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य और देखिए 13 अप्रैल से 14 मई तक बृहस्पति के साथ भाग्य वर्धन करेंगे और महा उच्च के मेष राशि में उच्च के होकर बैठेंगे। तो देखिए शुक्र जो है मीन राशि में हो चुके हैं, सूर्य मेष राशि में हो चुके हैं, दो दो ग्रह हो चुके यानी राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली के धन के मालिक। और शुक्र की देखिए राशि वृषभ राशि कहाँ है, दसवां भाव में, जॉब के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, तो कार्य में प्रगति, कार्य में तरक्की, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सरकारी काम से लाभ, राजनीति में अगर आप तो राजनीति के क्षेत्र में लाभ ही लाभ। क्यों? क्यों शुक्र की राशि है, शुक्र भाग्य वर्धन कर रहे हैं 25 अप्रैल से और 25 अप्रैल से तो शुक्र आगे रहेंगे रहेंगे वहाँ पर 19 मई तक, जबकि बृहस्पति 1 मई को निकल के आ जाएंगे कार्य क्षेत्र में। तो बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र से मतलब वृषभ राशि में, शुक्र भी 19 मई को आ जाएंगे बृहस्पति के पास, तो फिर 19 मई से बृहस्पति और शुक्र का साथ बन जाएगा आगे। तो आगे तो फिर मैं बहुत मई में मई का अलग बनाऊंगा, मई माह का फल तो अलग बनाऊंगा मैं। अभी तो मैंने ये चर्चा की 30 अप्रैल तक कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध शुक्र मेष राशि में बैठ करके सूर्य के साथ अति उच्च का लाभ देंगे, भाई भाग्य बढ़ गया। तो भाई सिंह राशि वालों ऐसा टाइम
मेरे ख्याल से तो फिर मुश्किल से आता है, जबकि बृहस्पति भी हों और शुक्र भी हों, दो दो गुरु और स्वामी राजा, मतलब आपकी राशि के स्वामी और ग्रहों के राजा भाग्य में बैठे हों, तो ये तो चमत्कारी कहूँगा मैं तो। सिंह राशि के लिए ही बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में आ गए, बारहवीं राशि मीन राशि, सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में शुक्र बुध सूर्य और देखिए मंगल भी कुछ टाइम के लिए, और मैं समझता हूँ बाद में फिर जो है यहाँ से जो है बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं तो वहाँ शुक्र चले जाएंगे, वो टाइम बाद का जो होगा, बृहस्पति शुक्र दोनों ही साथ साथ सूर्य के साथ अष्टम में बैठ करके, देखिए सूर्य उच्च के हैं, उच्च का कोई ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर, और देखिए तो फिर विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ये मैं समझता हूँ बृहस्पति शुक्र दोनों ही दोनों गुरु अष्टम से धन भाव को देखेंगे, तो कन्या राशि वालों को भी धन का लाभ तो मिलना ही मिलना है। धन का यानी ग्रहों का चमत्कार बता रहा हूँ मैं हर राशि को ही। कन्या राशि को जो पांच पांच ग्रहों का संयोग बन रहा है सप्तम भाव में और लग्न में दृष्टि पड़ रही है सबकी, तो शारीरिक सुंदरता, शारीरिक बीमारियाँ सब कुछ ठीक होंगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी पर्सनलिटी गजब की होगी और व्यापार अच्छा, तरक्की में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, और उधर से बृहस्पति शुक्र की दृष्टि पड़ेगी बाद में, मतलब अप्रैल के एंड में आते आते धन भाव पर, उससे पहले बृहस्पति की दृष्टि होगी वहाँ पर। तो भाई दृष्टि पड़ने से अचानक से धन का लाभ, क्योंकि बाद में ये जो आठवें भाव में, तो आठवें भाव तो अचानक लाभ देता है, तो कन्या राशि के लिए भी मैं समझता हूँ ये ग्रहों का चमत्कार अच्छा लाभ दे रहा है। अब देखिए तुला राशि के लिए ये मीन राशि आ गई भाई छठे भाव में, और छठे भाव से दृष्टि पड़ेगी बारहवें भाव पर विदेश पर, विदेश से तो लाभ मिलेगा मिलेगा, और मंगल का यहाँ बैठ कर शत्रु हंता, सूर्य भी है कुछ टाइम को शत्रु हंता, सूर्य तो 13 तारीख को निकल जाएंगे यहाँ से, मेष में चले जाएंगे, पर मेष राशि सप्तम में है, बृहस्पति सप्तम में है मेष राशि में, सूर्य जब आ जाएंगे 13 अप्रैल से लेकर के, तो फिर पूरा महीना 13-14 मई तक बहुत शानदार सूर्य का राज होगा। सूर्य जो अति उच्च के सप्तम में बैठ करके भाई व्यापार आसमान को ले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन आसमान को ले जाएंगे, लग्न में दृष्टि पड़ेगी, तो लग्न यानी आपका शरीर स्वस्थ हृष्ट पुष्ट, एक्टिविटी पर्सनालिटी बहुत गजब की, और दाम्पत्य जीवन अच्छा। छठे भाव में पंच ग्रह बैठ करके देखिए आपकी नौकरी में तरक्की दिला सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करा सकते हैं, नया वेतन मान दिला सकते हैं, वेतन में वृद्धि करा सकते हैं, और विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं तुला राशि के लिए। तो बाकी मैं देखिए शनि की मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पंचम में बैठे हुए हैं, बाद में जो शनि फिर यानी मंगल भी दो आ जाएंगे यहाँ पर छठे भाव में पंचग्रहों के साथ, तो मैं ये समझता हूँ तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा ही है। तो ये टाइम जो है भाई हर ग्रह के लिए चमत्कार, हर राशि के लिए चमत्कार हो रहा है, कुछ के लिए थोड़ा ज़्यादा, कुछ के लिए थोड़ा कम, लेकिन नुकसान तो अभी तक किसी का नहीं देखा मैंने। हाँ, वृश्चिक राशि के लिए अष्टम में आए, वृश्चिक राशि के लिए बारहवीं राशि पंचम भाव में आ गई, संतान के भाव में आ गई, संतान के भाव में पांच पांच चार चार ग्रह, मनोकामना पूर्ण होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की होगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, और ग्यारहवें भाव पर दृष्टि पड़ेगी पांच पांच ग्रहों की, तो लाभ ही लाभ है, धन ही धन। बृहस्पति छठे भाव में और शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे, तो देखिए मेष राशि में सूर्य भी आ जाएगी और छठे भाव से बारहवें को दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर नौकरी में तरक्की, नई नौकरी, वेतन मान ज़्यादा, और शत्रु भागने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य नहीं महासूर्य अति उच्च के होकर यहाँ आ जाएंगे मेष राशि में, मेष राशि तो सूर्य की उच्च की होती है,
तो शत्रु भाग जाएंगे, विजय से लाभ मिलेगा और ऋण कोई आपका है तो चुकता हो जाएगा, या आपको पैसा चाहिए तो मिल जाएगा आसानी से। तो मैं ये समझता हूँ भाई ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। किसके लिए? वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा है, धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए मैं समझता हूँ चौथे भाव में पांच पांच ग्रह आ गए और बृहस्पति जो है पंचम में है, शुक्र बृहस्पति सूर्य यहाँ पंचम में आएंगे और ये चार पांच ग्रह कुछ टाइम के लिए ओवरलैपिंग यानी लक्ष्मी नारायण योग, माल्यव्य राजयोग, बुद्ध का सूर्य का बुद्ध आदित्य राजयोग, जड़त्व योग सारे बन रहे हैं चौथे भाव में। और चौथे भाव से दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव पे, तो जॉब के क्षेत्र में तरक्की, जॉब में वेतन वृद्धि, जॉब में यानी आपका मान सम्मान बहुत बढ़िया और सब आपके साथी लोग प्रशंसा करेंगे आपकी। पंचम में देखिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बैठ गए भाई, तो प्रेम प्रसंग में सफलता, प्रेम विवाह शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, शादी हो चुकी है तो संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, पुत्र कारक बृहस्पति पुत्री कारक शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं पंचम में, वाह वाह। तो मैं तो समझता हूँ धनु राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले बहुत चमत्कार हो रहा है ग्रहों का भाई। हाँ अब तीसरे भाव में जब आ गए तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए ये योग उतना अच्छा नहीं है। मैं देखिए हर राशि की बात तो करूँगा लेकिन उतना अच्छा नहीं है तीसरे भाव में। हाँ बृहस्पति चौथे में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति तो अपना सुख साधन की वृद्धि देंगे और शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ 25 अप्रैल से, तो शुक्र और सूर्य तो आ ही जाएंगे उच्च के होकर के। तो ये तो है मकर राशि को चौथे भाव से सूर्य बृहस्पति शुक्र तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे और दसवें पर देखेंगे तो जॉब में व्यापार में नौकरी में सब में वेतन वृद्धि कराएंगे लाभ कराएंगे। लेकिन पंचग्रह का योग बन रहा है तीसरे में तो परिश्रम बहुत करना पड़ेगा भाई, जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही वेतन वृद्धि पैसा मिलेगा। पर मकर राशि को भी मैं समझता हूँ बृहस्पति सूर्य देखिए बृहस्पति जो है चौथे भाव के बृहस्पति हैं, चौथा भाव में बृहस्पति केंद्र में अच्छे हैं और सूर्य और शुक्र का साथ है, तो मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा भाग्य मतलब भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव से नवें भाव पर, तो भाग्य वर्धन हो रहा है। भाग्य बढ़ेगा तो फिर सभी कुछ बढ़ जाता है ना, पांच पांच ग्रह भाग्य को देख रहे हैं और कार्य और देखिए पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा है मकर राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए बारहवीं राशि आ गई दूसरे भाव में, धन भाव में पांच पांच ग्रह भाई, चार चार पांच पांच ग्रह और कुंभ राशि खुद शनि और मंगल लग्न में और बृहस्पति देखिए और शुक्र और सूर्य तीसरे भाव में होंगे, लेकिन तीसरे भाव से दृष्टि पड़ेगी शुक्र की तुला राशि पर भाग्य भाव में नवें भाव में यानी, तो शुक्र की दृष्टि से 25 अप्रैल से सूर्य शुक्र और बृहस्पति दोनों, उसके पहले सूर्य उच्च के मेष राशि में, तो भाग्य वर्धन तो हो ही होगा भाई। तो कुंभ राशि का भाग्य बढ़ गया, लग्न में शनि षष्ठ महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो कुंभ राशि को भी मैं अच्छा ही मानता हूँ भाई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर राशि का ही लगभग थोड़ा कम ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है, लेकिन ये ग्रहों का चमत्कार कहूँगा मैं, इसलिए ग्रहों का चमत्कार करीब को हर राशि को मिल रहा है। और देखिए आखिरी राशि है मीन, अब मीन राशि के लिए तो बारहवीं राशि खुद लग्न में आ गई, लग्न में राहु बुध सूर्य शुक्र सारे तो यहाँ आ गए। हाँ बृहस्पति जो है धन भाव में क्या गजब के, और शुक्र भी पहुँच जाएंगे 25 अप्रैल को, उससे पहले शुक्र लग्न में ही थे, तो लग्न में शुक्र बैठ करके लग्न में जातक का शरीर मनमोहक, चेहरा सुंदर मोरा, चेहरा मोरा सुंदर, सप्तम पर दृष्टि जाएगी तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग व्यापार में। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए भी यानी ये बृहस्पति का धन भाव में बैठना, शुक्र का धन भाव में बैठना, सूर्य का मेष राशि में अति उच्च के हुए धन भाव में बैठना, ये बहुत ही वंडर गजब का चमत्कार ग्रहों का चमत्कार है। और मीन राशि तो खुद पांच पांच ग्रह लग्न में पहले भाव में बैठेंगे और सप्तम पर भी दृष्टि पड़ेगी,
तो बहुत ही गजब का है। तो मित्रों, मैंने ये देखा कि ये जो टाइम हुआ 9 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का, ग्रहों के डिफरेंट युति समायोजन से, सूर्य के अत्युच्च के होने से, शुक्र के अत्युच्च के होने से, माल्यव्य राजयोग बनने से, बुद्ध आदित्य राजयोग बनने से, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से, शस्त्र महापुरुष राजयोग बनने से, गजब की किस्मत यानी चमत्कार कर रहे हैं। मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए ग्रहों का चमत्कार हो रहा है। कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा बढ़िया, कुछ राशियों को थोड़ा कम, लेकिन सबको ये टाइम में नए संवत्सर में आज से ही 9 अप्रैल से भाई चमत्कार तो ग्रहों का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, मैं अभी विराम लूँगा, निवेदन करता हूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जैसे देखिए जाते जाते महा गणेशाय नमः, गणपति ओम गंग गणपते नमः लिखेंगे ना, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों, नमस्कार।